हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज है बसंत पंचमी। आज बहुत सारे डेज हैं और आज बसंत पंचमी के साथ साथ मेरी दीदी का जन्मदिन भी है, तो मैंने दीदी को कल रात ही बर्थडे विश कर दिया था। और आज है हम लोगों की छुट्टी, मेरी भी, वैभव की भी, लेकिन हमारे शेखर की नहीं है, तो वो लगे हुए हैं अपने काम पे, बिजी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो पाठक जी चल रहे हैं फिलहाल बिजी, तो जरा दोस्तों को बहुत दिनों बाद हेलो तो बोल दो मुंह से भी। फिर दोस्त पूछते हैं ना कि पाठक जी मुंह से कब बोलेंगे हेलो, सिर्फ हाथों से ही इशारे करते हैं। तो बहुत बिजी हो रहे हैं। और अपने हाथ भी दिखा दो, ये देखो हाथ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है हाथों में, अब धड़ाधड़ केसेस किए जा रहे हैं, है ना? वाओ। तो आज है बसंत पंचमी, तो आज हमने येल्लो येल्लो पहना है। हम तीनों का कलर कॉम्बिनेशन सेम है, इन्होंने भी येल्लो और वैभव पाठक ने भी येल्लो। तो अब हम आज बसंत पंचमी के त्यौहार है तो कुछ स्पेशल ही बनेगा, तो लग जाते हैं अपने काम पे। और सुबह से पता है मैं बहुत बिजी थी, मैंने पूरा घर सेट किया, छुट्टी का दिन और बहुत मतलब एक्स्ट्रा बिजी हो जाता है, तो घर वगैरह सब सेट हो चुका है और अब मैं ले रही हूँ किचन में एंट्री और बनाती हूँ कुछ खाने को। तो गाइस, खस्ता पूड़ी बनानी है तो यहाँ पे रखो आटा, उसके ऊपर डालो सूजी, फिर डालो अजवाइन, फिर इसको गोल दो, ओल दो, उसके बाद खस्ता पूड़ी। फाइनली खाना भी हो चुका है, शेखर और वैभव को मैंने खिला दिया खाना और अब मैं अपने लिए भी लेकर के आ गई हूँ। तो आज मैंने खाने में छोले पूड़ी बना रखी है और खीर बनाई है, क्योंकि त्यौहार है तो मीठा तो बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल मैं भी खाती हूँ खाना। और दोस्तों, मुझे ना बहुत तेज का कफ, कोल्ड, हेडेक, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत दिनों से सर्दी जुकाम बहुत तगड़ा वाला ही लग गया है। तो फिलहाल मैं खाती हूँ खाना। तो गाइस, फाइनली हमारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट आ चुका है। वाओ, वेरी नाइस। 2 रुपए की रुपए नहीं बताते हैं वो, तो मन का देखा जाता है ना। ये 2 की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 2 लाख की हो, आपने हमें ला के दे रखी आज, है ना दोस्तों? Am I right? Wow. तो इसको हम मिल बांट के खाएंगे। सो गाइस, मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा। शेखर, 2000 years later। तो दोस्तों, जैसा कि आज थी बसंत पंचमी, तो हमने बसंत पंचमी का त्यौहार सुबह मना दिया है और खाना वाना घर पे ही बनाया था। तो आज एक और फेस्टिवल भी है जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। तो वैभव और वैभव के पापा ने कहा चलो आज हम बाहर खाना खाते हैं, तो रात का डिनर हो रहा है हमारा बाहर। फिलहाल मैं तो दिन में से ही रेडी थी एक्चुअली, और शेखर और वैभव भी रेडी हो गए हैं और टाइम हो गया है 9:15। तो फिलहाल हम चलते हैं, क्योंकि पहले ही वैभव कह रहा था मम्मी घर ही पे मंगा लेते हैं ऑर्डर करके, बट मैंने कहा थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी हो जाएगा, वैसे तो हमें टाइम मिलता नहीं है निकलने का, तो इस बहाने हम थोड़ा घूम फिर लेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, फाइनली हम कुंदन में पहुँच चुके हैं, फिलहाल तो एंट्री ले रखी है फिर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुंदन में और फिलहाल शेखर और वैभव मेन्यू देख रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या मंगाएंगे करके। फिलहाल वैसे हमने तो ये सोचा था कि हम कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे, क्योंकि दिन का खाना बहुत हैवी हो चुका था, तो जो भी मेरे पति परमेश्वर और मेरा लड्डू गोपाल ऑर्डर करेंगे वही मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मैंने इनको घर से ही बोल दिया था कि जो आप लोग डिसाइड कर लोगे, मुझे पूछना मत क्या खाएगी करके। तो फिलहाल मंगा दिया इन्होंने कोल्ड ड्रिंक, जबकि मुझे हो रहा कोल्ड, उसके बावजूद मैं इसको पीऊँगी, क्योंकि ठंडी को ठंडी ही मारेगी ना, तो मेरा हो सकता है कोल्ड वगैरह इससे ठीक हो जाए। और वैभव ने अपने लिए मंगा दिया है ये हॉट कॉफ़ी शेक, और साथ ही साथ थोड़ा पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया है और मंगा दिया है डोसा, मतलब साउथ इंडियन खाना। तो फिलहाल हमारा खाना, हमारा डिनर आ चुका है और हम फिलहाल डिनर करते हैं।
तो फ्रेंड्स आफ्टर डिनर मैंने शेखर को कहा, वैसे तो हमें सेल्फी लेने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो क्यों ना हम इसी बहाने सेल्फी भी ले लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनको मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। तो मैंने कहा चलो इस मोमेंट को हम कैद कर लेते हैं और लास्ट फाइनली हमने मंगा ली आइसक्रीम, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स फाइनली हम डिनर करके पहुँच चुके हैं घर, और हमने ना यहाँ के अलग अलग रेस्टोरेंट देख लिए हैं कभी कहीं कभी कहीं जा करके। तो कुंदन्स भी अच्छा है खाने के मामले में, वैसे हर चीज़ के मामले में, स्वीट्स वगैरह के लिए तो फेमस ही है। तो आज फर्स्ट टाइम हम वहाँ डिनर भी करके आए, तो अच्छा था वहाँ पे, है ना वैभव, कैसा लगा? बढ़िया लगा। महाशय बताएंगे कैसा लगा हमारे महाशय को। इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज इटालियन ऑल टाइप ऑफ फूड्स अवेलेबल देयर। और कुछ? सो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है रात के 11:30 बज चुके हैं, तो अब मैं वीडियो करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।